नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नियर बाय स्टडी। और आज का ये वीडियो होने वाला है बिहार बेल्ट रॉम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती 2024 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि हम आज के सेट में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर, यह तो प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 15, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि 21 बार, ध्यान दीजिए, 21 दिसंबर 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बिहार बेल्ट रॉम का एग्ज़ाम जो है 14 सितंबर से, ध्यान दीजिएगा, 14 सितंबर से जो है अनाउंस कर दिया गया है और इसका एग्ज़ाम 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसको मद्देनजर रखते हुए हम जो है इस प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। हमने एक से लेकर, ध्यान दीजिएगा, एक से लेकर के 14 तक सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है इस प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज के कर रखे हैं। उसका लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप चाहे तो वहां से जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हैं, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। इसमें टोटल के टोटल जो है 60 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, जो कि बिल्कुल फुल डिटेल्स के साथ होने वाला। चलो तो समय को ना गवाते बढ़ेंगे आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल नियर बाय स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ बगल वाला बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आए वो इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और ज़्यादा लोगों को शेयर भी जरूर कर देंगे, ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। चलो तो समय को ना गंवाते हुए बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट की ओर। तो प्रैक्टिस सेट जो है तो आज होने वाला है 15, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। अगला प्रश्न हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है, ध्यान दीजिएगा, हमारा सबसे पहला प्रश्न जो है पूछा जा रहा है एमएस एक्सेल 2016 में एक सेल में एक टिप्पणी जोड़ने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि कमेंट जोड़ने के लिए शॉर्टकट की जो है आपका क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा शिफ्ट, ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट प्लस F2 जो है वो कमेंट को ऐड करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, कमेंट को ऐड करने के लिए जो है यूज किया जाता है। अगर बात किया जाए कंट्रोल प्लस C से, तो कंट्रोल प्लस C से जो है आपको कॉपी होता है, क्या होता है, कॉपी हो जाता है। कंट्रोल प्लस B से जो है आपको क्या हो जाता है, बोल्ड, यानी कि बोल्ड फॉर्मेट, यानी कि जो फॉन्ट होता है वो बोल्ड हो जाता है, क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। कंट्रोल प्लस S से क्या होता है, कंट्रोल प्लस S से सेव होता है। कंट्रोल प्लस, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस आपको X से जो है वो कट होता है। कंट्रोल प्लस V से जो है ये पेस्ट होता है, क्या होता है, पेस्ट होता है। ये आपके जो है कुछ महत्वपूर्ण की शॉर्टकट है। अगला प्रश्न जो है हमारा कहा जा रहा है STDEV.P ब्रैकेट एक उदाहरण है, तो किस फंक्शन का जो है ये एक उदाहरण हो जाएगा। तो ये जो है सांख्यिकीय फंक्शन है, यानी कि न्यूमेरिकल फंक्शन का ये जो है आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तुम्हारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, यानी कि कॉपी करने के लिए, हमने अभी भी बताया कि कॉपी करने के लिए जो है कंट्रोल प्लस C का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस X से जो है, ध्यान दीजिए, कंट्रोल प्लस X से जो है वो कट होता है, क्या होता है, कट होता है। कंट्रोल प्लस V से जो है वो पेस्ट होता है, क्या होता है, पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस Z से जो है आपको क्या हो जाता है, कंट्रोल प्लस Z से जो है आपको अंडू होता है, क्या होता है, अंडू हो जाता है। कंट्रोल प्लस F से जो है वो फाइंड होता है, क्या होता है, फाइंड हो जाता है। कंट्रोल प्लस A से क्या होता है, कंट्रोल प्लस A से जो है आपको ऑल सेलेक्ट हो जाता है, क्या होता है, ऑल सेलेक्ट हो जाता है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज, ध्यान दीजिएगा, मेल मर्ज में मेलिंग के लिए प्राप्तकर्ता को मौजूदा सूची, ध्यान दीजिएगा, मौजूदा सूची में होता है, तो किस मौजूदा सूची में जो है मेल मर्ज हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो है हम लोग मेलिंग टैब में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मेलिंग टैब में जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे रिसिपेंट को, किसको, रिसिपेंट को, उसके बाद यूज करेंगे एग्जिस्टिंग लिस्ट को। तो ये हमारा जो ए ऑप्शन जो है ये इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में रिकॉर्ड, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड स्लाइड शो, ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्ड स्लाइड शो मेन्यू के तहत
होता है, तो किसके तहत जो है रिकॉर्ड स्लाइड शो मेन्यू उपलब्ध होता है, तो स्लाइड शो में ही, ध्यान दीजिएगा, स्लाइड शो में ही जो है रिकॉर्ड स्लाइड शो जो है उपस्थित होता है। क्या होता है? उपस्थित होता है, जो आप लोगों के लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर बात किया जाए पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का जो एक्सटेंशन कोड होता है वो PPTX होता है। क्या होता है? PPTX हो जाता है। 2003 से पहले वाला वर्जन को जो है वो पीपीटी होता है। क्या होता है? डॉट पीपीटी होता है। और 2003 के बाद वाला में जो है आपको डॉट PPTX हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए पावर पॉइंट के रिबन टैब में, कौन सा टैब में? रिबन टैब में जो है कौन कौन सा मेन्यू अवेलेबल होता है, तो टोटल जो है आपको कितने मेन्यू? 10 मेन्यू अवेलेबल होते हैं। कितने होते हैं? 10 मेन्यू अवेलेबल होते हैं, जिसमें प्रमुखता जो है क्या होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डिजाइन होता है, ट्रांसलेट होता है, स्लाइड शो होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है, ये सारे के सारे जो है के होते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट का नाम कैसे बदलते हैं, तो एमएस एक्सेल में जो है वर्कशीट का नाम बदलने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार, तो ऑप्शन के अनुसार जो है क्या हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे शीट टैब पे, किस पे? शीट टैब पे राइट क्लिक करेंगे और वहां से जो है रीनेम का ऑप्शन सामने आ जाएगा। क्या हो जाएगा? रीनेम का ऑप्शन जो है वो सामने आ जाएगा। ये जो है सबसे, ध्यान दीजिएगा, कि सबसे जो है इजीएस्ट मेथड है। क्या है? इजीएस्ट मेथड जो है वो क्या करने का, आपको रीनेम करने का हो जाएगा एमएस एक्सेल में वर्कशीट के नाम बदलने का। अगला प्रश्न जो है, एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ध्यान दीजिए कौन सा कथन सही यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही हो जाएगा। एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान होता है, तो गलत, एक वर्कबुक जो है एक वर्कशीट के समान नहीं होता है, क्योंकि एक वर्कबुक में बहुत सारे, यानी कि एक वर्कशीट में जो है बहुत सारे वर्कबुक हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एक वर्कबुक एक सब दस्तावेज भी है, गलत, तो ये सब दस्तावेज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक वर्कबुक एक एकल फाइल नहीं होता है, तो ये गलत है, एकल फाइल होता है। एक वर्कबुक, ध्यान दीजिएगा, एक वर्कबुक एक वर्कशीट के समान नहीं होता है, जी नहीं, तो ये आपका सही हो जाएगा। एक वर्कबुक जो है एक वर्कशीट के समान नहीं होता, क्योंकि एक वर्कबुक में बहुत सारे वर्कबुक होते हैं। क्या होते हैं? एक वर्कबुक में बहुत सारे वर्कशीट हो जाते हैं। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू इनमें से क्या प्रदर्शित करता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है क्या प्रदर्शित करने का काम करता है, तो स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है क्षैतिज क्रम में, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज क्रम में आपके प्रेजेंटेशन को, सभी स्लाइड थंबनेल को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। क्या करता है? प्रेजेंट करता है। और स्लाइड सॉर्टर व्यू से जो है हम लोग स्लाइड को अरेंज भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली शॉर्टकट की क्या है, तो टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए अभी हमने बताया कि कंट्रोल वी से जो है टेक्स्ट को क्या किया जाता है, पेस्ट किया जाता है। कंट्रोल जेड से क्या हो जाता है, तो कंट्रोल जेड से जो है आप लोग कमेंट करके बताइए, हमने अभी भी बताया क्या होता है। कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से जो है वो कट होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल में होम मेन्यू के तहत एडिटिंग ग्रुप में क्लियर ड्रॉप डाउन सूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वैध विकल्प नहीं है, कौन सा वैध विकल्प नहीं की बात की जा रही है, तो कौन सा वैध विकल्प नहीं हो जाएगा, तो क्लियर डेटा का ऑप्शन जो है वहां पे नहीं होता है। क्या? क्लियर डेटा का ऑप्शन जो है वहां पे आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। तो उसके अलावा जो है क्लियर फॉर्मेट होता है, क्लियर कंटेंट होता है, क्लियर कमेंट होता है, ये तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्लियर डेटा नाम का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है इनमें से कौन सा उपयोगकर्ताओं को चित्र एवं एनिमेशन जैसे चित्रमय तत्वों के माध्यम से किसी उपकरण के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, तो क्या जो है चित्र के माध्यम से इंटरैक्ट करने की अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या हो जाएगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है जिसको GUI के रूप में जानते हैं, क्या जानते हैं? GUI के रूप में जानते हैं, उसको क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा GUI। क्या हो जाएगा? GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है,
एमएस एक्सेल में, ध्यान दीजिएगा, एमएस एक्सेल में सेल बॉर्डर, ध्यान दीजिएगा, सेल बॉर्डर लगाने के लिए विकल्प कहाँ मिलता है, तो कहाँ विकल्प उपस्थित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले होम टैब में जाएंगे, फ्रंट ग्रुप में जाएंगे, वहां पे जो है आपको बॉर्डर दिख जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉर्डर दिख जाएगा, वहां पे जो है अलग अलग प्रकार के बॉर्डर देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के बॉर्डर देखने को मिलते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है, क्या होता है, यूजफुल होता है। अगला प्रश्न जो है क्या बोला जा रहा है, कंपाइलर, ध्यान दीजिए, कंपाइलर जो है रूपांतरित करती है, तो कंपाइलर जो है क्या रूपांतरित करती है, तो कंपाइलर ध्यान दीजिएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, किसमें, कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज को जो है मशीन कोड में परिवर्तित करने का काम करती है, क्या करती है, परिवर्तित करने का काम करती है। अगर बात की जाए इंटरप्रेटर की, किसकी, इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर जो है वो क्या करने का काम करता है, तो इंटरप्रेटर जो है उच्च स्तरीय यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो क्या करती है, आपको लाइन बाय लाइन, ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफर करने का काम करते हैं, कौन, इंटरप्रेटर। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि वह व्यू जिसे दर, सॉरी, वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई टेक्स्ट स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउजर में दिखाई देगा, वह क्या कहलाता है, तो वह जो है वो क्या कहलाता है, तो उसे जो है, ध्यान दीजिएगा, उसे जो है हम लोग वेब लेआउट व्यू कहते हैं, क्या कहते हैं, वेब लेआउट व्यू जो है वो कहते हैं, क्या कहते हैं, वेब लेआउट व्यू उसे कहा जाता है। प्रिंट लेआउट व्यू में जो है आप प्रिंट करने के बाद कैसा दिखेगा वो शो होता है। आउटलाइन व्यू में जो है आपको सिर्फ आउटलाइन दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, आउटलाइन हट जाएगा, डायरेक्टली आपको दिखाई दे जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, आप 19, ध्यान दीजिएगा, 19/12/2019 को एमएस एक्सेल वर्कशीट के फंक्शन में टुडे, ध्यान दीजिएगा, टुडे डाले तब आप अगले दिन, ध्यान दीजिएगा, अगले दिन वर्कशीट खोलेंगे तो आउटपुट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो अगले दिन जब हम वर्कशीट खोलेंगे, क्या करेंगे, वर्कशीट खोलेंगे तो क्या दिखाई देगा, तो जब यहाँ टुडे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले दिन हमारा जो है वो आपका डेट ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, अगले दिन यानी कि 20/12/2019 वहाँ पे शो करेगा। अगला प्रश्न है, फिर इन द ब्लैंक में मेल मर्ज के लिए एनवेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं है, यानी कि डिफॉल्ट दस्तावेज का प्रकार नहीं हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा मेल मर्ज जो है आपको एमएस वर्ड में किया जाता है, किसमें किया जाता है, एमएस वर्ड में जो है मेल मर्ज किया जाता है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, एमएस एक्सेल में जो है डाटा सीट तैयार किया जाता है, एमएस एक्सेस में जो है वो क्या किया जाता है, आपको डाटा बेस तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, डाटा बेस तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, आप विंडोज एक्सपी में नया, ध्यान दीजिएगा, नया फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो विंडोज एक्सपी में नया फोल्डर बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, विंडोज एक्सपी में नया फोल्डर बनाने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे पार्टी एरिया पे, वहां पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू का ऑप्शन क्लिक करने के बाद वहां पे फोल्डर आएगा, फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा सबसे पहले फोल्डर को नेम यानी कि नेम दर्ज करने के लिए कहा पॉपअप आएगा, उसके बाद नेम दर्ज करते ही आपका जो फोल्डर है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है एक्टिव, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव एक्स किसके द्वारा शुरू की गई तकनीक है, तो एक्टिव एक्स जो है किसके द्वारा शुरू की गई तकनीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई तकनीक है, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है एक्टिव एक्स जो है वो शुरू किया गया था, ये कब शुरू किया गया था, तो एक्टिव एक्स जो है 1996 में शुरू किया गया था, क्या किया गया था, 1996 में शुरू किया गया था। कई ब्राउजर डिफॉल्ट रूप से एक्टिव एक्स जो है वो सभी सपोर्ट नहीं करते, एक्टिव एक्स जो है सभी सपोर्ट नहीं करते हैं, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर के भौतिक उपकरण को जो है वो हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है, और जिसको हम छू नहीं सकते, ध्यान दीजिएगा, जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है, किस रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में जाता है। अगर हार्डवेयर का प्रमुख उदाहरण की बात किया जाए तो कीबोर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा, माउस हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, सीपीयू हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपको,
सीपीयू हो जाएगा, इसके अलावा आपको हो जाएगा पेन ड्राइव हो जाएगा, ये सारे के सारे जो हैं आपके हार्डवेयर के रूप में आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर पैकेज, ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम वह समूह है जो समाधान करता है। तो किस चीज का समाधान करता है? तो विशिष्ट समस्याओं और कार्य का क्या करता है? समाधान करता है। क्या करता है? विशिष्ट कार्य एवं समस्याओं का समाधान कौन करता है? आपको सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम करता है। क्या करता है? सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोग्राम करता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? लेआउट, ध्यान दीजिएगा, लेआउट रिबन में किस टैब के अंदर अंतर्गत मौजूद होता है, यानी कि लेआउट टैब जो है किसमें मौजूद होता है? तो लेआउट टैब रिबन जो है वो किसमें होता है? होम टैब में। देखो तो होम टैब के में जो है आपको लेआउट देखने को मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? लेआउट देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, चयनित अक्षर को सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, सबस्क्रिप्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो क्या हो जाएगा? तो सब स्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो शॉर्टकट की क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। अगर जो है सुपर स्क्रिप्ट बनाना है, क्या बनाना है? सुपर स्क्रिप्ट बनाना है तो कंट्रोल के साथ, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल के साथ जो है क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद जो है हम लोग इज इक्वल टू प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और इज इक्वल टू प्रेस करेंगे तो हमारा जो है सुपर स्क्रिप्ट बनकर सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपर स्क्रिप्ट। और सब स्क्रिप्ट बनने के लिए जो है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू क्लिक किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो एमएस वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? तो कंटेंट को, ध्यान दीजिए, कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। क्या कहता है? बुलेटेड पॉइंट के रूप में जो है, यानी कि लाइन बाय लाइन शो किया जाता है, उसे आउटलाइन व्यू कहा जाता है, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। इसका प्रयोग जो है प्रमुखता हम लोग लाइन बाय लाइन, ध्यान दीजिएगा, लाइन बाय लाइन हम लोग कंटेंट को रीड करने के लिए या फिर देखने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है टिम बर्नर्स-ली ने, किसने? टिम बर्नर्स-ली ने जो है किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1989 में, कब? 1989 में जो है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया, यानी कि WWW का आविष्कार किया था, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है HTML का भी निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? HTML का भी निर्माण जो है टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, जिसका फुल फॉर्म जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए कि गूगल के निर्माता कौन है? तो लैरी पेज, ध्यान दीजिएगा, लैरी पेज और किसने? तो सर्जी ब्रिन ने, ध्यान दीजिएगा, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन ने जो है गूगल का आविष्कार किया। कब किया था? तो 1998 में जो है गूगल का आविष्कार, यानी कि निर्माण किया। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है? मेल मर्ज विकल्प एमएस वर्ड दस्तावेज को किस टैब में मौजूद होता है? तो मेल मर्ज जो है किस टैब में देखने को मिल जाएगा? तो मेल मर्ज जो है सीधी बात सी बात है कि आपको मेलिंग टैब में मिलेगा। किस में मिलेगा? मेलिंग टैब में मिल जाएगा। अगर बात किया जाए कि मेल मर्ज में कौन कौन सा आपको कार्य करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जो है आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। रिसिपिएंट, जिसको हम भेजना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेटर, जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ हम लिखना चाहते हैं, जैसे एक स्टोरी हम लिख दिए तो स्टोरी लिख करके उसको भेजने का है, तो स्टोरी, उसके बाद प्रिव्यू करेंगे, उसके बाद मेल मर्ज कम्प्लीट होगा। इनकी टोटल 5 स्टेप में जो है मेल मर्ज कम्प्लीट होता है। कितने स्टेप में? टोटल 5 स्टेप में जो है मेल मर्ज कम्प्लीट होता है। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है?
रहा है कि वान, ध्यान दीजिएगा, वान न्यूमैन कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से किसका उपयोग होता है, यानी कि वान न्यूमैन कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग होता है, तो संग्रहित, ध्यान दीजिएगा, वान न्यूमैन कंप्यूटर में जो है संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्या होता है? संग्रहित प्रोग्राम सिस्टम, यानी कि संग्रहित प्रोग्राम सिद्धांत का प्रयोग जो है वान न्यूमैन कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन पेस्ट ड्रॉपडाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कौन जो है ड्रॉपडाउन सूची के तहत एक वैध विकल्प नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है यूज न्यू फॉर्मेटिंग, ध्यान दीजिएगा, यूज न्यू फॉर्मेटिंग जो है ये आपका वैध विकल्प नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ड्रॉपडाउन मेन्यू से जो है ये वैध विकल्प नहीं है। इसके अलावा पिक्चर कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यूज डेस्टिनेशन थीम, ये सारे के सारे ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें कंप्यूटरों के बीच नेटवर्किंग की सुविधा मौजूद नहीं होती है, तो कंप्यूटर के बीच नेटवर्किंग की सुविधा किसमें जो है मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विंडोज 3.1 में जो है नेटवर्किंग की सुविधा जो है मौजूद नहीं थी। इसके अलावा विंडोज XP, विंडोज 10, विंडोज 8 सारे में जो है आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्किंग की सुविधा उपस्थित थी, क्या थी, उपस्थित यानी कि अवेलेबल थी, जो आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात किया जाए नेटवर्किंग के लिए किन का प्रयोग किया जाता है, लैन का प्रयोग किया जाता है, वैन का प्रयोग किया जाता है, इथरनेट का प्रयोग किया जाता है, हॉटस्पॉट का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे चीज़ों का प्रयोग जो है अभी हम लोग नेटवर्किंग के लिए करते हैं। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सूचना अस्थायी रूप से स्टोर करता है, तो अस्थायी रूप से अगर बात किया जाए तो आपको क्या हो जाएगा, SRAM जो है वो क्या करता है, सूचना को अस्थायी रूप से, किस रूप से, अस्थायी रूप से जो है वो संग्रह करता है। SRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो SRAM का फुल फॉर्म जो है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात किया जाए ROM की, तो ROM का फुल फॉर्म आप सभी लोगों को पता होगा कि रीड ओनली मेमोरी होता है, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी हो जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS Word, ध्यान दीजिएगा, MS Word में इंडेंट, ध्यान दीजिएगा, इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है, तो इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए जो है शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है Ctrl+M हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंडेंट के पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए Ctrl+M का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तो Ctrl+M का प्रयोग जो है वो किया जाता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार है, तो कौन सा पेज मार्जिन का एक प्रकार हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, पेज मार्जिन जो है वो आपको शीर्ष में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शीर्ष में, यानी कि राइट ऑप्शन जो है आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। विकर्ण में पेज मार्जिन नहीं होता, मध्य में पेज मार्जिन नहीं होता, कोने में पेज मार्जिन नहीं होता, पेज मार्जिन होता कहाँ है, तो सबसे पहले टॉप में होता है, क्या होता है, टॉप में होता है, बॉटम में होता है, क्या होता है, बॉटम में होता है, लेफ्ट में होता है, क्या होता है, लेफ्ट में होता है, आपके राइट में होता है, ये सारे के सारे पेज मार्जिन होते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, आप, ध्यान दीजिएगा, आप एक्सेल वर्कशीट में 3 कॉलम में कुछ शीर्षक बनाना चाहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, 3 क्रमागत सेल को सेलेक्ट करके फिर मर्ज सेल विकल्प चूज करें, उसके बाद जो है 3 सेल को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है DSL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DSL, ध्यान दीजिएगा, DSL का पूर्ण रूप जो होता है क्या होता है, DSL का पूर्ण रूप जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा डेटा सब्सक्राइबर लाइन, क्या होता है, डेटा सब्सक्राइबर लाइन हो जाता है, सॉरी तो डेटा सब्सक्राइबर लाइन नहीं, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, क्या, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है वो DSL का फुल फॉर्म हो जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, MS Word में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को
क्या कहा जाता है। तो एमएस वर्ड में टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को जो है वो क्या कहा जाता है, तो वर्ड आर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड आर्ट जो है वो कहा जाता है टेक्स्ट, आपको क्या कहा जाता है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर को। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बस नहीं, यानी कि कंप्यूटर बस जो है वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो टाइमर बस जो है वो कंप्यूटर बस नहीं है। इसके अलावा डेटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, कंट्रोल बस होता है, लेकिन टाइमर बस नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णतया ऑब्जेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है। ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो सी प्लस प्लस जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज हो जाएगा। एम एस ऑफिस जो है ऑफिस प्रोग्राम है। HTML जो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लैंग्वेज होता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। CSS जो है कुछ अलग है, यानी कि लैंग्वेज अगर बात किया जाए कि कंप्यूटर ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट लैंग्वेज जो है आपको क्या हो जाता है, आपको C++ हो जाता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर डेस्कटॉप पर आइकन जो किसी फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट करता है उसे क्या कहा जाता है। तो किसी फाइल या फोल्डर में जब रीडायरेक्ट करता है तो उसे जो है शॉर्टकट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, उसे जो है शॉर्टकट के नाम से जाना जाता है। शॉर्टकट को आमतौर पे हम लोग क्रिएट करते हैं ताकि आसानी से जो है फाइल या फोल्डर में रीडायरेक्ट जा सके। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, पाई चार्ट केवल प्रदर्शित करता है। तो पाई चार्ट जो है केवल क्या प्रदर्शित करने का काम करता है, इसका राइट आंसर जो है डेटा का एक श्रृंखला प्रदर्शित करने का काम करता है। क्या करता है, डेटा का जो है वो श्रृंखला, क्या डेटा का एक श्रृंखला प्रदर्शित करने का कार्य करता है। पाई चार्ट जो है कुछ इस प्रकार से होता है, क्या होता है, कुछ इस प्रकार से जो है पाई चार्ट होता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, डिफॉल्ट रूप से, ध्यान दीजिए, डिफॉल्ट रूप से एक्सेल वर्कबुक 2016 में कितनी सीटें होती हैं। तो 2016 की बात किया जाए, ध्यान दीजिएगा 2016 की बात किया जाए तो केवल और केवल एक डिफॉल्ट सीट होता है। लेकिन अगर पुराने वाले, ध्यान दीजिएगा ओल्ड वाले 2003 के आसपास वाला जो है, इसमें डिफॉल्ट रूप से तीन सीट मिलते थे। कितने मिलते थे, तीन सीट मिलते थे। लेकिन हम लोग इसको एक्सटेंड करके चाहे जितना, चाहे ओल्ड वाला हो चाहे नया वाला हो, सारे के सारे में जो है हम लोग एक्सटेंड करके चाहे जितना बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, MS Excel, ध्यान दीजिएगा MS Excel 2016 में जब आप एक विंडो को स्प्लिट करते हैं तो विंडो कितने पेन में स्प्लिट होता है, कितने पेन में स्प्लिट होता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो चार पैन में, कितने पैन में, चार पैन में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। कितने पैन में, चार पैन में जो है वो स्प्लिट हो जाता है। इसको स्प्लिट करने के लिए आपको व्यू में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, व्यू में जाइएगा, उसके बाद स्प्लिट विंडो, यानी कि विंडो स्प्लिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, डायलअप अवधि, ध्यान दीजिएगा डायलअप अवधि का उपयोग आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। किस चीज को जोड़ने के लिए जो है वो किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए जो है डायलअप विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो क्या है, कॉलम, ध्यान दीजिएगा कॉलम बी से, बी और सी के बीच तीन कॉलम प्रविष्ट करने के लिए आप किसको सेलेक्ट करेंगे। तो कॉलम ए, बी और सी के बीच में हम लोग सब सेलेक्ट करेंगे, तो क्या सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए जो है हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यानी कि कॉलम सी को सेलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, कॉलम सी को जो है वो सेलेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तुम्हारा अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेबल किस नई प्रकार इंसर्ट की जा सकती है। तो एमएस वर्ड में किस प्रकार से जो है वो इंसर्ट की जा सकती है। तो इंसर्ट करने का बहुत सारा मेथड है, क्या है, बहुत सारा जो है वो मेथड है। तो क्या हो जाएगा मेथड, तो सबसे पहले तो है इसका राइट आंसर जो है इंसर्ट टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में जाएंगे, यहाँ से जो है डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, अगला प्रश्न में जो है कहा जा रहा है फॉर्मेटिंग, ध्यान दीजिएगा फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी
करें तो एक सेल के फॉर्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी किया जाता है, इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट फॉर्मूला, सेलेक्ट कॉपी एंड राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फॉर्मूला टू बी कॉपीड एंड सेलेक्ट पेस्ट फॉर्मूला। मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मूला को कंटेंट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे, उसके बाद जहां आपको पेस्ट करना वहां ले जाकर के पेस्ट कर देंगे, तो हमारा पेस्ट हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस पावर पॉइंट 2016 में आप टिप्पणी ध्यान दीजिएगा टिप्पणियों के फलक को ध्यान दीजिएगा टिप्पणियों के फलक को मेन्यू में दिखाई दे सकते हैं, तो कैसे दिखाई दे सकते हैं, जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको रिव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन के किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, एमएस एक्सेल में 2016 में स्मार्ट आर्ट रिबन में किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो किस टैब के अंतर्गत मौजूद होता है, तो इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो है ये क्या था, स्मार्ट आर्ट मौजूद होता है। इसमें जो है अलग अलग प्रकार के ध्यान दीजिएगा अलग अलग प्रकार के जो है आर्ट आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है, आप सेल की एक श्रृंखला को जोड़ना और फिर इसे सेल प्रविष्टि की संख्या में विभाजित करना चाहते हैं, इस प्रकार उस श्रृंखला के सभी मानों का औसत मान प्राप्त होता है, इसके लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए, तो इसके लिए जो है किस फंक्शन का उपयोग किया जाना चाहिए, तो एवरेज ध्यान दीजिएगा एवरेज फंक्शन का प्रयोग जो है किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए, औसत निकालने के लिए जो है एवरेज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, अगले प्रश्न में कहा जा रहा है डिलीट की गई फाइल जिसे रिसाइकल बिन ध्यान दीजिएगा रिसाइकल बिन में संग्रहित किया या उसे किया जा सकता है, तो रिसाइकल बीन से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, तो रिसाइकल बीन से जो है हम लोग उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रीस्टोर भी कर सकते हैं, इनकी डिलीटेड फाइल को हम लोग वापस से प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वापस से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे सहेजा जाता है, अगर जो है कोई मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे कैसे सहेजेंगे, यानी कि कैसे सेव करेंगे, तो सबसे पहले सेव करने का सबसे इजी मेथड जो है कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस एस क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, लेकिन अगर बाय मेथड किया जाए तो फाइल मेन्यू क्लिक करेंगे, फाइल मेन्यू के भीतर वहां पे जो है सेव और सेव एज का ऑप्शन आएगा, सेव पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। सेव एज करने के लिए जो है हम लोग को क्या करना पड़ता है, सेव एज करते हैं, उसके बाद हम जो है हमें जो है एक पॉपअप आता है कि आप फाइल को कहाँ से सेव करना चाहते हैं, वो पॉपअप आएगा और वहां से हम लोग सेव कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है कि ड्राइंग मुद्रित पाठ्य ध्यान दीजिएगा ड्राइंग मुद्रित पाठ्य या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक होता है, तो डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर जो है वो क्या होता है, तो प्रकाश संवेदनशील ध्यान दीजिएगा प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है। क्या होता है, प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है, जो कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान इसके द्वारा की जाती है, तो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की पहचान जो है आईपी एड्रेस के द्वारा, किसके द्वारा, आईपी एड्रेस के द्वारा, जिसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इससे की जाती है, जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगला प्रश्न जो है एक्सेल की कौन सी सुविधा, एक्सेल की कौन सी सुविधा स्वचालित रूप से किसी अन्य सेल या रेंज के डेटा से सेल को भर्ती या डेटा को श्रृंखला को पूरा करती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है ध्यान दीजिएगा उसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो उसे जो है ऑटोफिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, ऑटोफिल के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, सेल को क्या करती है, डेटा सेल में डेटा को जो है ऑटोमेटिकली रूप से क्या करती है, भरने का काम करती है, और ये स्पेसिफिक कंडीशन यानी कि विशेष परिस्थितियों में ही कार्य करता है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, किसी वर्कशीट में ध्यान दीजिए किसी वर्कशीट में सेलेक्ट की गई सेलों की अधिकतम संख्या तक जूम किया जा सकता है, तो कितने संख्या तक जो है वो जूम किया जा सकता है, यानी कि बड़ा किया जा सकता है, इसका राइट आंसर कितना, चार, यानी कि
यानी कि 4 तक जो है जूम किया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है कहा जा रहा है टीसीपी, ध्यान दीजिएगा टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो टीसीपी का पूर्ण रूप जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म हो जाता है। अगर फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो आप लोग को देखना है तो हमने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आई बटन जो आ रहा है उसमें सारा का सारा जो है एक बहुत भी डिटेल्स वीडियो जो है फुल फॉर्म का हमने अपलोड किया है। इस आई बटन को क्लिक करके आप सारे के सारे वीडियोज देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल विंडोज के शीर्ष के पास स्थिर वह बार है जहां आप सेल प्रविष्टि दर्ज या एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, एडिट और उसको प्रविष्टि दर्ज कर सकते हैं फॉर्मूला बार के जरिए भी। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, स्प्लिट विंडो को विभाजित, ध्यान दीजिएगा स्प्लिट विंडो को विभाजित करने या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो स्प्लिट विंडो को विभाजित या हटाने के लिए शॉर्टकट कुंजी जो है अल्ट कंट्रोल एस है। क्या है? अल्ट कंट्रोल एस से जो है स्प्लिट विंडो को हटा सकते हैं या फिर उसे लागू कर सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न जो है क्या कहा जा रहा है, एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए एनवलप कैसे बनाया जाता है। तो मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए जो है एनवलप बनाने का सबसे इजी मेथड जो है, ध्यान दीजिएगा सबसे इजी मेथड जो है वो क्या है, सबसे पहले मेलिंग पे जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, एनवलप चूज करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट साइज चूज करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। क्या कर देंगे? ओके कर देंगे, यानी कि राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मेलिंग में जाएंगे, स्टार्ट मेल मर्ज करेंगे, एनवलप चूज करेंगे, सेलेक्ट साइज यानी कि साइज वहां पे सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ओके क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो है मेल मर्ज स्टार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा टाइम, ध्यान दीजिएगा इज इक्वल टू टाइम 22338 का आउटपुट क्या हो जाएगा। 22338 का आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट में। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पंक्ति, ध्यान दीजिएगा एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन होता है। तो क्या होता है? प्रतिच्छेदन यानी कि मिलाप होता है। तो मिलाप कहाँ होता है? पंक्ति और यानी कि आपको सेल और सॉरी आपको जो है क्या होता है रो और कॉलम का मेल जहां होता है उसको क्या कहते हैं, आपको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अगला प्रश्न जो है वो क्या कहा जा रहा है, एमएस एक्सेल 2016 में ऑटो, ध्यान दीजिएगा ऑटो शेप रिबन के किस टाइप के अंतर्गत मौजूद होता है। तो किस टाइप के अंतर्गत जो है ये मौजूद होता है, तो ये जो है ध्यान दीजिएगा ये जो है आपके इंसर्ट टैब के अंतर्गत, किस टैब के अंतर्गत, इंसर्ट टैब के अंतर्गत जो है ये आपको क्या होता है ऑटो शेप मौजूद होता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये था हमारा आज का 60 क्वेश्चन कंप्यूटर का, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादातर लोगों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल अभी तक जो है नियर बाय स्टडी को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबा करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। क्या अगले वीडियो? तो तक के लिए इतना ही।